छात्रावास अधीक्षिका को हटाने को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं ने खोला मोर्चा। मुंगेली जिले के लोरबी तहसील अंतर्गत बंधवा में संचालित एकलव्य आदिवासी विद्यालय में विवाद थमने का ही नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मामला एक दिन पहले का है, जहां एकलव्य आदिवासी विद्यालय अंतर्गत छात्रावास से प्रिंसिपल ने बिना पालकों को सूचना दिए ही 6 बच्चों को मेला घुमाने के बाद अपने घर ले गए, जहां रात रुकने के बाद सुबह बच्चों को प्रिंसिपल बालिका छात्रावास छोड़ने गए। इस बात को लेकर छात्रावास के छात्र छात्राओं ने अधीक्षिका के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं महीनों पहले ही छात्रावास के अधीक्षक को हटाने की मांग को लेकर लगातार छात्राओं के द्वारा आदिम जाति विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से लिखित में शिकायत की गई थी। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा यह है कि यह छात्रों को अधीक्षक और अधीक्षिका को हटाने की मांग को लेकर स्कूल के सामने ही धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी किया गया। वहीं अधिकारियों के काफी मशक्कत के बाद 2 दिवस के समय मांग पर प्रदर्शन समाप्त किया गया। इस पूरे मामले को लेकर कक्षा 11वीं के छात्रा कुमारी ममता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अभी शाला परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया है, यदि 2 दिवस के अंदर स्थायी रूप से हटाए जाने की कार्रवाई नहीं की जाती है तो रोड में आंदोलन करने की बात कही। आप लोग का मांगे पूरी हो जाएगी, बट हम लोग को एक दिन का समय चाहिए। हम लोग उन लोग को समय दिए हैं, अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो फिर से हम लोग अपना धरना फिर से कर सकते हैं। और ये अधिकारी लोग भी बोले हैं कि अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो आप फिर से कर सकते हैं आंदोलन। 27 तारीख से बोर्ड एग्जाम शुरू है, आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो अधीक्षिका मैम भी है और इसमें हम लोग भी हैं, क्योंकि अगर हम लोग अधीक्षिका मैम ऐसे नहीं करती हमारे लिए तो हम लोग भी ऐसे नहीं करते। ये हम लोग को दोनों का है, अगर अधीक्षिका मैम अगर ऐसे करती तो हम लोग ये कदम नहीं उठाते। पूर्व में भी अधीक्षिका को हटाने का क्या आप लोग ज्ञापन दिए थे? हाँ दिए थे। उसमें किस तरह की कार्रवाई? उस टाइम हम लोग अधीक्षिका मैम का हटाने के लिए नहीं किए थे स्थायी रूप से, क्योंकि उस टाइम अधीक्षिका का व्यवहार थोड़ा अलग था और अभी अलग हो गया है। उसी के हम लोग अधीक्षिका को स्थायी करवाने के लिए हमने अपने पेरेंट्स से लड़ाई किए थे और उसको स्थायी भी करवाए थे, लेकिन आपको हाँ अब हमको उनका आदत व्यवहार सब चीज़ पता चल गया है, अब हमें उसका मतलब हटाना ही हमको। अच्छा, आपको जो आश्वासन मिला वो लिखित में मिला कि मौखिक रूप से मिला? लिखित में नहीं मिला है, मौखिक में मिला है। वहीं एकलव्य आदिवासी विद्यालय के तत्कालीन प्रिंसिपल पीडी ध्रुव पालिका छात्रावास की अधीक्षिका रीता डिंडोरे की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीडी ध्रुव प्रिंसिपल ने बताया कि संबंधित उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया गया है, वह ऑफिस कार्य से रायपुर में है, आने पश्चात उचित कार्रवाई करने की बात कही। तो आज हमारे जिला प्रमुख अधिकारी जो है रायपुर के बैठक में है, इसलिए आज इनकी मांग पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपनी ओर से अधीक्षक एवं अधीक्षिका को दोनों को तत्काल यहाँ से उनके कमरे से बाहर जाने के बोल दिया हूँ। किस बात के लिए लिया गया ये मेरे जानकारी में नहीं है, ऐसे मेरे उसके हम जांच करवाएंगे, यदि ऐसा है तो गलत है। सर जो इनको हटाया जा रहा है वो आज के लिए बता रहा है कि परमानेंट? नहीं, परमानेंट हटाएंगे। तो अगर नहीं हटते हैं तो बच्चे बोल रहे हैं कि अगर कल आज के डेट में नहीं हटते हैं तो एक दिन के बाद फिर से आंदोलन करेंगे? नहीं, बच्चों के कल हमारे जिला प्रमुख अधिकारी आ जाएंगे उनके। बहरहाल आगे देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, CG Vision TV।